हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ट्राई फॉर बेसिक्स। पिछले वीडियोस में हमने किंगडम मोनेरा के बारे में पढ़ा था और फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था, और आज हम नए किंगडम के बारे में पढ़ेंगे, किंगडम प्रोटिस्टा। सो लेट्स स्टार्ट। अ सिंगल सेल और यूकेरियोट्स आर प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के अंदर सिंगल सेल ऑर्गेनिज़म्स को रखा गया है। सिंगल सेल ऑर्गेनिज़म ऐसे जो कि सिंगल सेल होते हुए यूकेरियोट्स भी हों। यूकेरियोट्स मैंने आपको पहले ही बताया कि यूकेरियोट्स ऐसे ऑर्गेनिज़म्स होते हैं जिनके सेल्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, उनका जेनेटिक मटीरियल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ इनक्लोज होता है। बट द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। लेकिन फिर भी इस प्रोटिस्टा किंगडम में इतनी डाइवर्सिटी है कि इसकी जो बाउंड्रीज हैं उनको बांध पाना बहुत मुश्किल है। वॉट मे बी अ फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टेंट टू वन बायोलॉजिस्ट, मे बी अ प्लांट टू अनदर। यहाँ पर ये बोला गया है कि ये जो प्रोटिस्टेंट्स हैं इनमें फोटोसिंथेटिक प्रॉपर्टी भी होती है, प्लांट की तरह ये खाना भी बना सकते हैं और एनिमल की तरह ही फीड भी कर सकते हैं। इन दिस बुक वी इंक्लूड क्राइसोफाइट, डायनोफ्लैजेलेट, यूग्लिनॉइड, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स अंडर प्रोटिस्टा। इस चैप्टर में हम लोग प्रोटिस्टा के अंदर आने वाली पांच क्लासेस के बारे में पढ़ेंगे, जो हैं क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजेलेट, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स। ये पांच आपको क्लासेस याद रखनी है, ये आपको इस चैप्टर में पढ़नी है। मेंबर ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरी इक्वेटिक। जो प्रोटिस्टा में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इक्वेटिक होते हैं, पानी में रहने वाले होते हैं ज़्यादा। दिस किंगडम फॉर्म लिंक विद अदर डीलिंग विद प्लांट, एनिमल एंड फंजाई, और ये बाकी प्लांट्स, एनिमल्स और फंजाई के साथ भी लिंक बना के रखते हैं। बींग यूकेरियोट द प्रोटिस्टेंट सेल बॉडी कंटेन वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। जैसा कि आपको पहले ही बता दिया गया है कि यूकेरियोट होने का मतलब है कि प्रोटिस्टेंट सेल बॉडी जो है उसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होंगी। जो यूकेरियोट होते हैं उनमें दो कैरेक्टर होते हैं, एक तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है और दूसरा मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती हैं। सम है फ्लैजिला, कुछ में फ्लैजिला भी होगा और सीलिया भी होगा मूवमेंट के लिए, क्योंकि ये पानी में रहते हैं, इनको पानी में तैरने के लिए कुछ स्ट्रक्चर्स की ज़रूरत होती है, तो कुछ फ्लैजिला डेवलप कर लेते हैं और कुछ सीलिया डेवलप कर लेते हैं। प्रोटिस्टन रिप्रोड्यूस ए सेक्शुअली एंड सेक्शुअली बाय द प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन एंड जायगोट फॉर्मेशन। इसके अलावा रिप्रोडक्शन में दो मेथड यूज़ किए जाते हैं, ए सेक्शुअल और सेक्शुअल मेथड। नेक्स्ट जो फर्स्ट क्लास है दैट इज़ क्राइसोफाइट्स। दिस ग्रुप इंक्लूड डायटम्स एंड गोल्डन एल्गा। इस ग्रुप में जो दो मेन ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करेंगे वो है डायटम्स एंड गोल्डन एल्गा। गोल्डन एल्गा को हम डेसमिट भी कहते हैं। दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज इन मेराइन इन्वायरमेंट। ये फ्रेश वाटर और मेराइन इन्वायरमेंट दोनों में पाए जाते हैं। दे आर माइक्रोस्कोपिक, फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट। ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं और वाटर करंट में पैसिवली मूव करते हैं, पैसिवली इन वाटर करंट, जिनको इनका दूसरा नाम प्लैंकटॉन भी है। पैसिव का मतलब ये है कि वाटर जब फ्लो करता है तो वाटर के अंदर ये फ्लो नहीं करते, बल्कि वाटर की जो ऊपर वाली लेयर है उसके ऊपर ये बैठे रहते हैं या पड़े रहते हैं। जैसे जैसे वाटर मूव करता है जिस डायरेक्शन में, वैसे वैसे ये मूव करते हैं। तो ऐसे प्लांट्स जो कि वाटर के ऊपर इसी तरीके से लेयर बना के रखते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं और फोटोसिंथेसिस करते हैं, उनको हम कहते हैं प्लैंकटॉन्स। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। ज़्यादातर ये क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। ये पानी के ऊपर पड़े रहते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, दिखाई नहीं देते, लेकिन फोटोसिंथेसिस करते हैं, जिसकी वजह से जो समुद्र में रहने वाले जीव हैं वो इनको खाकर भी अपना पेट भरते हैं। इन डायटम्स द सेल वॉल फॉर्म्स टू थिन ओवरलैपिंग शेल। अब हम बात कर रहे हैं डायटम्स की। जो डायटम्स हैं उनकी जो सेल वॉल होती है वो एक दूसरे को ओवरलैप करती है। ओवरलैपिंग शेल्स विच फिट टुगेदर एज इन सोप बॉक्स। जैसे एक सोप बॉक्स है, एक सोप का डब्बा है, वो एक दूसरे में जिस तरीके से फिट हो जाता है वैसे इनकी शेल्स जो हैं एक दूसरे में फिट हो जाती हैं। द वॉल्स आर एम्बेडेड विद सिलिका। इनकी जो वॉल्स हैं उनके ऊपर एक सिलिका लगा हुआ होता है एंड दस वॉल आर इनडिस्ट्रक्टिबल। सिलिका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मिनरल होता है जो इनकी वॉल्स को बनाता है, जिसकी वजह से इनकी जो सेल वॉल होती है वो इनडिस्ट्रक्टिबल होती है, टूटने में बहुत मुश्किल होती है। दस डायटम्स हैव लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट इन देयर हैबिटेट, जिसकी वजह से जब ये डायटम्स मरते हैं तो इनकी जो सेल वॉल होती है इसमें बहुत ज़्यादा सिलिका जो है वो इकट्ठा हो जाता है। दिस एकुमुलेशन ओवर बिलियन ऑफ ईयर इज रेफर टू एज डायटमिशियस अर्थ। अब समुंदर के नीचे बिलियन ऑफ ईयर से ये डायटमिशियस अर्थ
डायट मीशेस, इनकी जो सेल वॉल है वो इकट्ठी होती जा रही है। ये जो सेल वॉल का जखीरा जो इकट्ठा हुआ है समुद्र के नीचे, इसको हम कहते हैं डायट मीशियस अर्थ, और ये मिलियन बिलियन ऑफ ईयर से इकट्ठा होता जा रहा है। बींग ग्रिटी, दिस सॉइल इज़ यूज इन पॉलिशिंग। ग्रिटी मीन्स कि खुरदरा होने की वजह से, इस डायट मीशियस अर्थ मतलब एक तरह की खुरदरी मिट्टी जो कि सिलिका वाली सेल वॉल्स से बनी हुई है जो डायटम्स में थी, इसको यूज़ किया जाता है फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में, पॉलिशिंग के लिए, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल के लिए और सिरप बनाने के लिए। डायटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशंस। जो डायटम्स हैं वो ओशंस में चीफ प्रोड्यूसर्स हैं। चीफ प्रोड्यूसर मतलब कि जो फोटोसिंथेसिस से फूड बनाते हैं। नेक्स्ट है डायनोफ्लैजिलेट्स। नेक्स्ट हम करेंगे डायनोफ्लैजिलेट, जो कि प्रोटिस्टेंट का ही सेकेंड क्लास है। दीज ऑर्गेनिजम्स आर मोस्टली मेराइन एंड फोटो सिंथेटिक। दे अपियर येल्लो, ग्रीन, ब्राउन, डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन द सेल वॉल। डायनोफ्लैजिलेट्स, फ्लैजिलेट मीन्स कि इसमें फ्लैजिला होगा, डायनो मीन्स दो फ्लैजिला। ये ऑर्गेनिज्म ज़्यादातर मेराइन होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं और ज़्यादातर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड कलर के हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन देयर सेल वॉल। इनका कलर इस बात पे डिपेंड करेगा कि इनकी सेल वॉल में किस तरह की इनके सेल्स में किस तरह की पिगमेंट प्रेजेंट है। जिस तरह की पिगमेंट प्रेजेंट होगी उसी तरह का कलर ये शो करेंगे। द सेल वॉल हैज़ स्टिफ सेलुलोज प्लेट ऑन इट्स आउटर सर्फेस। इनकी जो सेल वॉल होती है उनमें स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स होती हैं, सख्त सेलुलोज प्लेट्स होती हैं आउटर सर्फेस में। मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजिला। ज़्यादातर, क्योंकि इनका नाम से ही पता लग रहा है डायनो फ्लैजिलेट, ज़्यादातर इनमें दो फ्लैजिला होते हैं। वन लाइज लॉन्गिट्यूडनली एंड द अदर ट्रांसवर्सली इन फॉरो बिटवीन द वॉल प्लेट। एक जो फ्लैजिला होती है वो तो लंबे तरीके से निकल रही होती है और एक जो है वो ट्रांसवर्स तरीके से जो है निकल रही होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला आपको दिखाई दे रही है। दिस इज़ लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला और ये स्ट्रक्चर है डायनोफ्लैजिलेट्स का। नेक्स्ट इज एंड द अदर ट्रांसवर्स फॉरो इन वॉल प्लेट्स। जो ट्रांसवर्स फ्लैजिला है वो इस डायग्राम में नहीं दिखाई दे रही है। वेरी ऑफन रेड डायनोफ्लैजिलेट, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है रेड डायनोफ्लैजिलेट्स का, जिसमें एग्जाम्पल में आपको याद रखना है ये नाम गाइनो गाइनोऑलेक्स। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, गाइनोऑलेक्स इसमें पूछा जाता है। अंडरगो सच, ये जो गाइनोऑलेक्स है जब सी में बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई करता है, रिप्रोडक्शन करता है, दैट दे में मेक द सी अपियर रेड। इतनी ज़्यादा जनसंख्या ये कर लेता है समुंदर में कि जो पूरे समुंदर में इसकी रेड कलर की लेयर बन जाती है और दूर से जो समुंदर का पानी है वो लाल दिखाई देने लगता है, जिसकी वजह से हम इसको रेड टाइड्स भी बोलते हैं कि जो गाइनोऑलेक्स है दैट मेक्स रेड टाइड्स। अंडर सच रैपिड मल्टीप्लिकेशन दैट दे मेक द सी अपियर रेड। इनकी वजह से सी एकदम लाल होने लग जाती है और जो लहरें हैं वो रेड कलर की दिखाई देने लगती हैं, जिनको हम रेड टाइड्स कहते हैं। टॉक्सिन्स रिलीज बाय सच लार्ज नंबर में इवन किल अदर मेराइन एनिमल्स सच एज फिशेस। कई बार इनकी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हो जाती है तो ये एक तरह का टॉक्सिन भी निकालते हैं। अगर ये टॉक्सिन बहुत ज़्यादा हो जाए तो पानी में रहने वाले जो एनिमल्स हैं उनकी डेथ होने भी लग जाती है। नेक्स्ट जो थर्ड क्लास हम करेंगे प्रोटिस्टेंट के अंडर वो है यूग्लिनॉइड्स। मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म। यूग्लिनॉइड्स ज़्यादातर ताज़ा पानी के ऑर्गेनिज़म्स होते हैं और ये मेराइन इन्वायरमेंट में, नमकीन पानी में नहीं पाए जाते और ज़्यादातर ये खड़े वाटर में पाए जाते हैं। इंस्टेड ऑफ अ सेल वॉल दे हैव प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकन। अब यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी तक जो हमने दो क्लासेस पढ़ी उसमें दोनों में क्राइसोफाइट्स और डायनोफ्लैजिलेट दोनों में सेल वॉल थी, बट यूग्लिनॉइड में सेल वॉल नहीं होती, बल्कि सेल वॉल की जगह एक फ्लेक्सिबल लेयर होती है जिसको हम कहते हैं पेलिकल। तो दीज ऑर्गेनिजम्स आर सराउंडेड बाय डिफरेंट काइंड ऑफ लेयर दैट इज़ नोन एज पेलिकल, मेक देयर बॉडी फ्लेक्सिबल। ये पेलिकल इनकी बॉडी को बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल बना देती है। दे हैव टू फ्लैजिला और यूग्लिनॉइड्स में दो फ्लैजिला होते हैं, अ शॉर्ट एंड लॉन्ग वन। एक शॉर्ट होता है और एक लॉन्ग होता है। दो दे आर फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, व्हेन डिप्राइव्ड ऑफ सनलाइट दे बिहेव लाइक हेटरोट्रॉफ। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि ये वैसे तो फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेटिक
होते हैं, सनलाइट जैसे इन पे पड़ेगी ये फोटोसिंथेसिस शुरू कर देंगे, लेकिन जब सनलाइट नहीं होगी तो ये हेटरोट्रॉफ्स की तरह बिहेव करेंगे और दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खाना शुरू कर देंगे। हेटरोट्रॉफ्स वेर प्रेडेटिंग द अदर स्मॉल ऑर्गेनिजम्स। इंटरेस्टिंगली द पिगमेंट्स और यूग्लिनॉइड्स आर आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन हायर प्लांट। इसमें हैरानी वाली बात यह है कि इनके अंदर प्रेजेंट जो पिगमेंट्स हैं वो बिल्कुल हूबहू हायर प्लांट्स में पाए जाने वाली पिगमेंट्स की तरह होती हैं। इनका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है यूग्लिना, जो आपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा होगा। यहाँ पर यूग्लिना का डायग्राम आपको दिया हुआ है, ये यूग्लिना है, दिस इज़ यूग्लिना। यहाँ पे एक लॉन्ग फ्लैजिला है और एक शॉर्ट फ्लैजिला है, और इसके चारों तरफ जो है दिस इज़ पेलिकल लेयर, जो सेल वॉल नहीं है, एक फ्लेक्सिबल लेयर है। नेक्स्ट जो ग्रुप कर रहे हैं हम, फोर्थ, दैट इज़ स्लाइम मॉल्ड्स। स्लाइम मॉल्ड्स आर सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट। अब यहाँ पर स्लाइम मॉल्ड्स का न्यूट्रिशन बताया गया है। स्लाइम मॉल्ड जो होते हैं सेप्रोफाइटिक होते हैं। सेप्रोफाइटिक मतलब दे फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म, दे ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन थ्रू डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म। द बॉडी मूव्स अलॉन्ग डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स इनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल। ये जो है डिकेइंग जो सड़े गले पत्ते हैं या ट्विग्स हैं उनकी तरफ जाते हैं और वहाँ से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। अंडर सूटेबल कंडीशन दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल प्लाज्मोडियम। जब कंडीशंस बाहर की जो वातावरण है, कंडीशन है, इनके अनुकूल होता है तो ये इकट्ठे हो जाते हैं और एक एग्रीगेशन बनाते हैं जिसको हम कहते हैं प्लाज्मोडियम, विच में ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट, और ये कई फीट तक ग्रो हो जाता है। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन द प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट एंड फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज। और जब बाहर के वातावरण इनके अनुकूल नहीं होता तो प्लाज्मोडियम फ्रूटिंग बॉडीज़ में कन्वर्ट हो जाता है और वो फ्रूटिंग बॉडीज़ में स्पोर्स लग जाते हैं। स्पोर्स उनके टिप्स के ऊपर लगते हैं और ये जो स्पोर्स होते हैं इनमें ट्रू बॉल्स होती है। स्पोर्स मीन्स इस तरीके से गोल गोल से स्ट्रक्चर होते हैं। ये स्पोर्स ज़्यादातर जो है अनफेवरेबल कंडीशंस में सर्वाइव करने के लिए बनाए जाते हैं ऑर्गेनिजम्स द्वारा। तो इन स्पोर्स के चारों तरफ ट्रू वॉल होती है, दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट। और ये जो स्पोर्स हैं ये बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट होते हैं एंड सर्वाइव फॉर मैनी ईयर। ये स्पोर्स कई कई सालों तक जिंदा रहते हैं, और कई तो ऐसे स्पोर्स भी होंगे आपको जानकर हैरानी होगी, करोड़ों साल पुराने स्पोर्स भी हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होंगे। और कई लेबॉरटरीज में या कई म्यूजियम्स में इन स्पोर्ट्स को प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है, क्योंकि वो मिलियन ईयर्स एगो के स्पोर्ट्स हैं जो अभी तक जर्मिनेट नहीं हुए। सो स्पोर्ट्स जो है मेनली एडवर्स कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो द स्पोर्ट्स आर डिस्पर्स्ड बाय एयर करंट। स्पोर्ट्स जब मैच्योर हो जाते हैं तो हवा जो है उनको डिस्पर्स करने में हेल्प करती है। लास्ट जो क्लास है प्रोटिस्टन किंगडम में वो है प्रोटोजोन्स। सो प्रोटोजोन्स की तरफ चलेंगे। ऑल प्रोटोजोन्स आर हेटरोट्रॉफ्स एंड लिव एज प्रेडेटर। जितने भी प्रोटोजोन्स हैं, हमने इससे पहले किया था यूग्लिनॉइड्स जो कि फोटोसिंथेटिक थे और हेटरोट्रॉफ्स थे, और इससे पहले हमने किया था स्लाइम मॉल्ड जो सेप्रोफाइटिक थे। यहाँ पर प्रोटोजोन्स की अगर न्यूट्रिशन की बात करें तो प्रोटोजोन्स जो हैं वो हेटरोट्रॉफ्स होते हैं और हमेशा प्रेडेटर का ही रोल करते हैं या पैरासाइट का ही रोल करते हैं। प्रेडेटर मींस दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाना, पैरासाइट का मतलब किसी और ऑर्गेनिज्म प्लांट या एनिमल की बॉडी में चले जाना और उसकी बॉडी को यूटिलाइज करना अपने न्यूट्रिशन के लिए। दे आर बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल। ये माना जाता है कि ये इन एनिमल्स के प्रिमिटिव रिलेटिव हो सकते हैं। दे आर फोर मेजर ग्रुप ऑफ प्रोटोजोन। अब प्रोटोजोन भी कई तरह के होते हैं। प्रोटोजोन के चार ग्रुप्स हैं, वो आपको याद कर लेने हैं। तो सबसे पहला ग्रुप है प्रोटोजोन का एमीबॉइड प्रोटोजोन, यहाँ पर दिया हुआ है। दिस इज पहला ग्रुप जो है, दैट इज अमीबॉइड प्रोटोजोन। और दूसरा ग्रुप जो है, पहला था अमीबॉइड, दूसरा है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन, तीसरा है सिलिएटेड प्रोटोजोन और चौथा है स्पोरोजोन्स। एक बार फिर से देख लीजिए, पहला था अमीबॉइड प्रोटोजोन, दूसरा है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन, तीसरा है सिलिएटेड प्रोटोजोन, चौथा है स्पोरोजोन। सो सबसे पहले हम करेंगे एमीबॉइड प्रोटोजोन के बारे में। एमीबॉइड प्रोटोजोन्स मींस
दीज ऑर्गेनिज़म्स लिव इन फ्रेश वाटर, सी वाटर, मॉइस्ट सॉइल. ये ऑर्गेनिज़म ज़्यादातर ताज़े वाटर में, सी वाटर में या मॉइस्ट सॉइल में रहते हैं. दे मूव एंड कैप्चर देयर प्रे बाय पुटिंग आउट स्यूडोपोडिया, जिसको हम फॉल्स फीड भी कहते हैं, एज इन अमीबा. ये अपने प्रे को, अपने शिकार को स्यूडोपोडिया नाम के एक एक्सटेंशन से पकड़ते हैं. जैसे अगर हम अमीबा की बात करें तो अमीबा का स्ट्रक्चर इररेगुलर होता है, लेकिन जब अमीबा को कोई फूड मिल जाता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर फूड है, तो अमीबा जो है अपने एक मेम्ब्रेन को एक्सटेंड करेगा. दिस मेम्ब्रेन इज़ नोन एज स्यूडोपोडिया. इसको हम कहते हैं स्यूडोपोडिया, जिसको हम फॉल्स फीड के नाम से भी बोलते हैं. तो इसमें ये बताया गया है कि जो अमीबॉइड प्रोटोजोन्स हैं वो फॉल्स फीड या स्यूडोपोडिया के थ्रू अपने प्रे को पकड़ते हैं, एज इन अमीबा, जैसे अमीबा पकड़ता है. मैराइन फॉर्म्स हैव सिलिका शेल्स, और जो अमीबॉइड प्रोटोजोन समुद्र में पाए जाते हैं उनमें सिलिका शेल्स होती हैं उनके सरफेस पे. सम ऑफ देम सच एज एंटमीबा पैरासाइट, और इनमें से कुछ जो अमीबॉइड प्रोटोजोन हैं वो पैरासाइट की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं, जैसे एंटमीबा. एंटमीबा एक पैरासाइट होता है. जैसे जब लूज मोशंस हो जाते हैं तो हमारे इंटेस्टाइन में ये एंटमीबा हिस्टोलाइटिका नाम का एक पैरासाइट इंटेस्टाइन की वॉल पे लग जाता है और इंटेस्टाइन में फूड की एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है, जिसकी वजह से जो हमारे इंटेस्टाइन में फूड होता है वो एब्जॉर्ब ना होके बल्कि बिना एब्जॉर्ब हुए ही बॉडी से बाहर वाटरी फॉर्म में निकलने लग जाता है. तो इस तरीके से ये पैरासाइट की भूमिका भी अदा करते हैं. सेकेंड जो ग्रुप है दैट इज़ प्रोटोजोन्स का, वो है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन. जैसा कि आपको नाम से ही पता लग रहा है, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन मीन्स कि इनमें जो स्ट्रक्चर होगा मूवमेंट के लिए वो फ्लैजिला होगा. द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप आर आइदर फ्री लिविंग और पैरासिटिक. इस ग्रुप के मेंबर या तो फ्री लिविंग होंगे, मतलब इंडिविजुअल एग्जिस्ट करते होंगे, या फिर पैरासाइट की फॉर्म में एग्जिस्ट करते होंगे. दे हैव फ्लैजिला, इनमें फ्लैजिला होता है. द पैरासाइट फॉर्म कॉजेज डिसीजेस. जो पैरासाइटिक फॉर्म है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन के, वो डिसीजेस कॉज करते हैं. याद रखना, जो पैरासाइट है वो जब होस्ट सेल के अंदर जाता है तो वो होस्ट सेल को नुकसान पहुंचाता है और वो नुकसान किसी न किसी डिसीज़ की फॉर्म में शो होता है. तो जो पैरासिटिक फॉर्म डिसीज़ कॉज करते हैं उनमें जो डिसीज़ है वो स्लीपिंग सिकनेस है, और इसको जो पैरासाइट कॉज करता है वो है ट्रिपैनोसोमा. थर्ड जो ग्रुप है दैट इज़ सिलिएटेड प्रोटोजोन. सिलिएटेड प्रोटोजोन मीन्स एज द नेम इंडिकेट दैट जो मूवमेंट के लिए स्ट्रक्चर है वो सिलिया होगा. दे आर इक्वेटिक, ये इक्वेटिक होते हैं, एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ, क्योंकि इनमें सिलिया जब भी होगा, आपको ये याद रखना है, फ्लैजिला और सिलिया दोनों ही मूवमेंट के लिए इस्तेमाल होते हैं, बट फ्लैजिला एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कम नंबर में प्रेजेंट होगा ऑर्गेनिज्म में, या तो वन फ्लैजिला होगा, मैक्सिमम दो फ्लैजिला होगा. सीलिया एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो न्यूमरस नंबर्स में प्रेजेंट होता है. फॉर एग्जांपल अगर पैरामीशियम, आपने पैरामीशियम का डायग्राम देखा होगा तो उसके चारों तरफ जो है थाउजेंड्स और लैक्स ऑफ सीलिया लगे होंगे. तो इसीलिए इतने ज़्यादा सीलिया होने की वजह से ये ऑर्गेनिज्म बहुत एक्टिवली मूव कर पाते हैं, आसानी से मूव कर लेते हैं. दे हैव कैविटी, उनके बॉडी में एक कैविटी होती है जिसको हम गलेट कहते हैं, दैट ओपन टू द आउटसाइड ऑफ द सेल सर्फेस, और वो सेल सर्फेस के बाहर की तरफ खुलती है कैविटी. तो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रोज ऑफ सीलिया, जिसके चारों तरफ लगे हुए सीलिया इस तरीके से मूव करते हैं कि वो एक कोऑर्डिनेटेड फॉर्म में वाटर को उस ऑर्गेनिज्म के गलेट तक, यानी उस कैविटी के पास तक लेके आते हैं, और उस वाटर में खाना होता है, और वो खाना उस गलेट के अंदर चला जाता है और वो ऑर्गेनिज्म अपना न्यूट्रिशन ले लेता है. इसका सबसे अच्छा एग्जांपल पैरामीशियम है, यहाँ पे आपको डायग्राम भी दिया होगा, ये देखिए पैरामीशियम. दिस इज़ द डायग्राम ऑफ पैरामीशियम. यू कैन सी इसके पूरी चारों तरफ जो है सीलिया लगा हुआ है. यहाँ पर ये दिस इज़ गलेट, यहाँ पे जो वाटर करंट है वो पानी की लहरें इस तरीके से चलेंगी, और इस तरीके से जाके इस पानी की लहरों में फूड है, और ये पानी की लहरें जाएंगी इस गलेट के अंदर और यहाँ से घूम कर इस तरीके से इसको पूरा का पूरा न्यूट्रिशन देगी. और इसके चारों तरफ जो है वो सीलिया लगे हुए हैं जो कि पैरामीशियम को बहुत ज़्यादा एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म बना देते हैं. सो दीज वर द सीलिएटेड प्रोटोजोन्स. नेक्स्ट जो फोर्थ ग्रुप है और लास्ट ग्रुप है प्रोटिस्टन का, दैट इज़ कॉल्ड स्पोरोजोन्स. स्पोरोजोन्स दिस इंक्लूड डाइवर्स ऑर्गेनिज्म दैट हैव
एन इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल। ये एक ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनके लाइफ साइकिल में एक ऐसी स्टेज आती है जिस स्टेज में ये स्पोर बन जाते हैं, और वो स्पोर जो है वो बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्शियस होता है। अगर वो स्पोर किसी बॉडी में चला जाए तो वो इन्फेक्शन कॉज कर देता है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। नाम तो सुना होगा आपने, इस लोअर क्लासेस से ही सुनते आ रहे हैं प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम एक मलेरियल पैरासाइट है जो अगर किसी बॉडी में घुस जाए तो वो मलेरिया कॉज कर देता है, अ डिसीज़ विच हैज़ स्टैगरिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन। सो ये सारा कुछ जो था ये किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में था। किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में हमने 5 क्लासेस पढ़ी, क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजेलेट, यूग्लिनॉइड, स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोन। प्रोटोजोन में हमने 4 टाइप्स के प्रोटोजोन्स पढ़ लिए। सो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में आई विल टॉक अबाउट किंगडम फंजाई। अगर आपको अच्छे से समझ आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल ट्राई फॉर बेसिक्स को। थैंक यू सो मच।